दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जब भी हमारे सामने कोई भी लजीज खाना रखा होता है तो हम अपने आप को बिना रोके हद से ज्यादा खा लेते हैं, पर इसी की वजह से हमारा वजन भी बढ़ सकता है जिससे हेल्थ पर बुरा इफेक्ट होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ इंसानों को ही अपने बॉडी पर ध्यान रखकर वर्कआउट करना चाहिए तो आप गलत हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मोटापे का शिकार हो सकते हैं, चाहे वह बड़े जानवर हो या छोटे जानवर, हर किसी को यह प्रॉब्लम हो सकता है। जिनमें से कुछ जानवर खा के मोटे हो गए हैं और कुछ जानवर हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से हैं। आज आप इस वीडियो में इन मोटे जानवरों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो मोटापे के शिकार हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबा देना। नंबर 5, बैंडिट रकून। दोस्तों वैसे तो रकून रात में छुपके से अपना खाना कचरे में ढूंढते हैं, पर क्या हो अगर रकून को अपना खाना कचरे में ढूंढना ना पड़े बल्कि कोई उन्हें अपना पालतू जानवर बनाकर हर रोज उन्हें खाना दे तो रकून को बिना मेहनत किए खाना मिल जाएगा और इसी से वजन भी बढ़ सकता है अगर डाइट पर ध्यान ना दिया जाए। कुछ ऐसा ही इस बैंडिट नाम के रकून के साथ हुआ जिसका वजन अभी 75 पाउंड्स है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे मोटा रकून होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। जब यह रकून छोटा था भी किसी फैमिली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और ये फैमिली ने इस रकून को एक पपी की तरह ट्रीट करते हुए इसे हद से ज्यादा खाना दे दिया, जिसकी वजह से अभी इतना मोटा हो गया है कि बैंडिट रकून ढंग से चल भी नहीं पाता। इसे देखते हुए रकून के मालिक ने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कर दिया है जिससे इस रकून का वजन कम हो जाए। कुछ महीनों के बाद यह डाइट के वजह से रकून का वजन कम हो गया। इस रकून का वजन सिर्फ खाने के वजह से ही नहीं हुआ था बल्कि इसे थायराइड का भी इश्यू था। नंबर 4, केसी डॉग। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कुत्तों को ही पालतू जानवर बनाते हैं क्योंकि कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। तो ब्रिटेन की रहने वाली एक महिला ने इस कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया है जिसका नाम केसी है और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही यह कुत्ते का वजन 57 किलो हो गया था। क्योंकि इस कुत्ते की ओनर ने केसी को बाहर वॉक पर बहुत कम ले जाती थी और डॉग फूड देने की वजह इसे रोस्टेड ह्यूमन फूड और चॉकलेट देने लगी, जिससे इस केसी डॉग का वजन ज्यादा खाना खाने के वजह से और बाहर कम वॉक जाने से बढ़ गया। एक समय कुत्ते का वजन इतना बढ़ गया था कि केसी के ओनर को उसे डॉग सेंटर पर भेजना पड़ा। इस कुत्ते के हेल्थ पर नजर रखते हुए स्ट्रिक्ट डाइट प्लान किया गया। केसी का वजन इतना बढ़ गया था कि उसे वॉक पे ले जाने के लिए 2 लोग आते थे और केसी डॉग को ब्रिटेन का सबसे मोटा डॉग होने का रिकॉर्ड भी मिला है। इस कुत्ते के ओनर के स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज की वजह से केसी का आधा वजन कम हो गया है जिससे अभी यह कुत्ता अच्छे से चल पाता है। नंबर 3, फैटेस्ट मंकी। दोस्तों बंदर सबसे फुर्तीले जानवर होते हैं और इंसानों की तरह बड़े होशियार भी होते हैं। बंदर को बड़े ऊंचे पेड़ पे से दूसरे पेड़ पर क्लाइम करते हुए तो आपने देखा ही होगा, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं। लेकिन थाईलैंड में आपको अलग ही नजारा मिलेगा। तो मिलिए इस बंदर से जिसे अंकल फैटी के नाम से बुलाया जाता है। यह बंदर वहां के टूरिस्ट के लाए गए चीजों को खा कर इतना मोटा हो गया है कि अभी यह बंदर बड़े मुश्किल से पेड़ पर चढ़ पाता है। यह अंकल फैटी मैकैक बंदर प्रजाति का है। वैसे तो यह प्रजाति के बंदर छोटे और पतले होते हैं पर यह अंकल फैटी उन सबसे अलग है। यह बंदर ने इतना खाया है कि अब इसका पेट दूसरे बंदरों से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है जिससे इसके पेट के अंदर ट्यूमर हो गया है। अंकल फैटी बंदर को बिना हिले डुले खाना इसलिए मिल जाता था क्योंकि इसके ग्रुप के बाकी बंदर इसे खाना लेके आकर देते थे जिससे इसका वजन 60 पाउंड्स हो गया। इस पे नजर रखते हुए जू के लोगों ने इस बंदर को स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पर रख दिया है ताकि यह जल्दी से ठीक हो जाए। नंबर 2, टाइगर। टाइगर को सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है क्योंकि यह अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ते। क्या हो अगर यह खतरनाक टाइगर मोटा हो जाए तो उन्हें शिकार ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा। कुछ ऐसा ही चाइनीज जू में साइबेरियन टाइगर को देखा गया जहां पर टाइगर का वजन बहुत ज्यादा था। जब इन टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया तो यह टाइगर काफी पॉपुलर हो गए थे क्योंकि यह टाइगर बाकी सारे टाइगरों से बहुत ज्यादा मोटे थे। लोगों का कहना था कि जू में इन टाइगरों को ज्यादा खाना देने की वजह से का वजन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जू अथॉरिटीज का कहना है कि ठंड के मौसम में इन साइबेरियन टाइगर्स का वजन बढ़ जाता है और इसीलिए इन टाइगर को एक्सरसाइज कराने के लिए जू के लोग इन टाइगर के सामने ड्रोन उड़ाते हैं जिसे देख टाइगर इन ड्रोन के पीछे भागने लगते हैं।
नंबर एक, गोल्ड फिश। दोस्तों आपने इस वीडियो में मोटे जानवरों को तो देख लिया होगा, पर मछलियां भी मोटी हो जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि अगर मछलियां मोटी हो जाए तो वह तैर नहीं पाएंगे, तो उनमें से ही है गोल्ड फिश। यह गोल्ड फिश अपने मोटापे के वजह से काफी फेमस हो गया है। यह वीडियो डालने वाले व्यक्ति का कहना है कि यह गोल्ड फिश दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा गोल्ड फिश है। जहां पर गोल्ड फिश बहुत छोटे होते हैं, पर यह गोल्ड फिश बाकी सबसे दो गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसके बाद पता चला कि यह गोल्ड फिश को इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, इसीलिए यह ऐसा हो गया है। यह गोल्डफिश बाकी गोल्डफिश के सामने बहुत कम स्पीड पे तैर पाता है और बहुत मुश्किल से भी मुड़ पाता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद यह गोल्डफिश बीमार से मर गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।